शुक्रवार को मस्जिदों में नमाजियों ने अलविदा की नमाज अदा किया। दूर दराज इलाकों से नमाजी मस्जिदों में इकट्ठा हुए और अलविदा की नमाज अदा किया। इस दौरान मस्जिद के मतवाले ने नमाजियों का संदेश देते हुए कहा कि एक महीने के रोजा के दौरान किए गए पाक कामों को अगले 11 महीनों तक मुसलमान भाइयों को करना चाहिए। गरीब मजलूमों की मदद करें, नेकी का रास्ता अपनाएं। गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए नमाज अदा करके वापस आते नमाजियों ने कहा, तो आप आगे आ जाएं और अपने अपने मोबाइल पर والذين يبيتون لهم إن الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين غير المغضوب ليلة القدر وما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم ربنا تقبل منا هذه الدعاء الصلاة الجمعة الوداع باقي ان کے زکات و فطرات کی رقوم کو قبول فرما جن لوگوں نے نماز تراویح خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی ان کی نماز تراویح کو قبول فرما جن لوگوں نے تلاوت قرآن مقدس کثرت سے کیے رب تعالیٰ و تعالیٰ علی وسلم کے صدقے و طفیل جتنے لوگ نماز جمعہ کی ادائیگی کے اس مبارک موقع پہ حاضر ہیں سب کو دین دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما آستانِ عالیہ حضور بابا مبارک خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جملہ اراکین منتظمین محبین مخلصین معاونین تمام حاضرین مصلین نمازی سب کو دنیا آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرما مولا کائنات سب کے گھروں سے ہر آفت و بلا مصیبت پریشانی بیماری نظر و بد مرض امراض کو دور فرما نمازی سب کے وطفائل ہر گناہ اور خرافات کی باتوں سے ہم سب کو محفوظ فرما وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد जी अलविदा एक समझिए माह रमजान का आखिरी जुमा है और अल्लाह ताला की तरफ से जो एक बहुत बड़ा जो है एक सवाब का काम है और एक इनाम है हमारा ईद। ईद जो है 30 रोजा के बाद ही आता है और समझिए हर रोजेदार का इनाम है, हर मुसलमान भाई का इनाम है। अल्लाह की खैर बरकत है, अल्लाह ताला का रहम है कि हमको ये बहुत बड़ा इनाम और तोहफा मिला। कल ईद है, उसके कल ईद है, हम लोग बहुत काफ़ी खुश हैं, हमारी पूरी कौम खुश है, हम सारे मुसलमान भाई खुश हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला हुसैन सिद्दीकी। आज अलविदा की नमाज़ हम लोग पढ़ लिए हैं और कल सभी मुसलमान जो है बहुत ही खुशी के साथ ईद मनाएंगे। और जैसा कि ऐसा तो कोई मैसेज मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन एक इमाम साहब का जो मैसेज है, जैसे कि बहुत से लोग ईद के दिन बहुत सारे मतलब गलत काम, दारू शराब पीना, क्योंकि इस्लाम में हराम है, तो सबसे ज़रूरी मेरा मैसेज ये है कि मतलब ईद के दिन आप नमाज़ पढ़ें, लोगों से मिलें और गंदे काम कोई भी ना करें, दारू शराब और भी कुछ गलत काम ना करें। क्योंकि क्या होता है कि ईद के दिन नमाज़ तो हम पढ़ लेते हैं
और उसके बाद कोई भी अगर गलत काम करते हैं तो जो भी हमारे रमज़ान में जो हमने रोजे रखे हैं उसके बाद जो हमारे मिलने वाले जो भी हमारे सवाब हैं या जो भी वो चीज़ें फिर उसके बाद मतलब बेकार हो जाते हैं। क्योंकि रब ने कहा कि अगर आप रोज़ा रख रहे हो, इबादत कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। खासकर अगर ईद के दिन अगर कुछ गलत काम करते हो तो वो सब चीज़ बेकार हो जाती है। इसलिए रमज़ान के साथ साथ ईद का भी जो है एहतराम करें, नमाज़ पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम, सिराज खान।